हेलो एवरीवन, आज है 11 जुलाई और आज इस वीडियो में हम दो दमदार कंपनियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक है मदरसन सुमी और दूसरी है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। दोनों ही ऑटो एंसिलरीज कंपनी है, दोनों ही ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और दोनों ही शेयर्स में एक बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद एक बड़ी रैली भी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ दिन से थोड़ी सी गिरावट और यहाँ पर बनी हुई है। इस वीडियो में हम दोनों ही कंपनी के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर खरीदारी करना कितना सही रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मदरसन सुमी अभी 96 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए के लेवल तक पहुंचा था, वहां से वापस ये शेयर नीचे टूटा है। हालांकि एक बड़े लेवल से ये शेयर ऑलरेडी टूटकर नीचे आया है, 150 रुपए तक का हाई इसने बनाया था और गिरावट आई तो ऐसी गिरावट आई थी कि 55 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया था। फिर रैली आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई और शेयर 104 रुपए तक पहुंच गया था। फिर वापस गिरावट आई, फिर वापस तेजी आई, शेयर वापस 104 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया। लेकिन अब वापस धीरे धीरे यहाँ पर गिरावट का दौर चल रहा है। पिछले अगर हम ऑल टाइम की बात करें, मतलब जब से इसका आईपीओ आया था तब से लेकर अगर हम अब तक की बात करें, तो जो सबसे बड़ा हाई इसने बनाया था वो तकरीबन तकरीबन 260 रुपए के आसपास बना था, और उसके बाद, और वो भी 2018 में जनवरी महीने में। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट बनी हुई है। और एक चीज है भी कि पिछले 2 ढाई साल से ऑटो मोबाइल कंपनी में एक मंदी का माहौल चल रहा है, गाड़ियां बिक नहीं रही है और उसी के चलते ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पी 33.75 है, इंडस्ट्री पी 37.24 है, बुक वैल्यू 19 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू काफी हाई है, 4.86 है, ईपीएस 2.85 है और डिलीवरी तकरीबन 27-28 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। तो मतलब 89% लोगों का ये कहना है कि भैया खरीदारी कर लो, बढ़िया मौका है यहाँ पर। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें, अभी पिछले कुछ दिनों से खबर चल रही है कि मदरसन सोमी में रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान चल रहा है, काफी सारा कुछ डीमर्ज भी हो सकता है। तो इस रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है और वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इनका रिस्ट्रक्चर होने वाला है। देखिए मदरसन सोमी बोर्ड अप्रूव्ड रीऑर्गेनाइजेशन प्लान, तो देखिए बोर्ड ने अप्रूव भी कर लिया है और डीमर्जर को लेकर है। मदरसन सोमी शेयर प्राइस डिक्लाइन 6% ऑन डीमर्जर प्लान। देखिए कंपनी अलग अलग होंगी, हालांकि जिनके पास मदरसन सोमी के शेयर्स होंगे उनको भी जो नई कंपनी बनेगी मदरसन सोमी की उसका भी शेयर्स अलोकेट जरूर किए जाएंगे। मार्च क्वार्टर में इनको मुनाफा कुछ खास नहीं हुआ था, 145 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, जो पिछले क्वार्टर में 318 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 434 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 340 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 408 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले 4 क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो मदरसन सुमी का जो मार्च क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो उतने अच्छे नहीं है, एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। और आप खुद सोचिए कि जब मार्च क्वार्टर में ये हालत है तो जून क्वार्टर में कितने बुरे नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि जून का जो क्वार्टर पूरे 3 महीना जो था, अप्रैल मई जून, उसमें तो ना कुछ प्रोडक्शन उतना खास हुआ है और बिक्री तो आप भूल जाओ कि कोई ज्यादा हुई होगी, ना के बराबर इनकी बिक्री है, क्योंकि सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो बंद थे। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 61.73% की होल्डिंग है, उनकी होल्डिंग कॉन्स्टेंट है, लेकिन प्रमोटर के द्वारा शेयर्स गिरवी ज्यादा रख दिए हैं। पहले जो 3.64% की गिरवी शेयर्स थे आज वो 13.05% है। एफआईएस की बात करें तो 17.48% की होल्डिंग आज 15.50% की है, मतलब एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले सिर्फ 0.27% की ही होल्डिंग थी, आज 1.38% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 8.70% की होल्डिंग हुआ करती थी, आज 11.21% की होल्डिंग है। तो बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी बढ़ाई भी है। यहाँ पर हम देखें तो मदरसन सुमी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द ट्रस्टेड कंपनी आप इसको कह सकते हैं। हालांकि अभी पेंडेमिक के चलते एक गिरावट का माहौल यहाँ पर जरूर बना है, लेकिन ओवरऑल मुझे मदरसन सुमी काफी अच्छा दिखता है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर वापस एक अच्छे प्राइस पर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएगा। अगर आपने खरीदारी की है और आपका नजरिया लंबी दूरी का है तो
तो बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट आएगी, लेकिन वो गिरावट आप ही के फायदे के लिए होगी। आप चाहे तो उस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं और थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, बस शर्ट सिर्फ इतनी कि एक साथ एक ही प्राइस पर सारे के सारे शर्ट मत खरीदे। SIP मोड में खरीदारी करें, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर 100 शर्ट खरीदने हैं तो 95 रुपए पर 25 शर्ट खरीदे, अगर शर्ट 90 पर जाता है तो और 25-30 क्वांटिटी खरीदे, अगर 85 पे जाता है तो और 30-35 शेयर की क्वांटिटी आप खरीद लीजिए। धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदें और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा करते जाएं। मदरसन सुमी एक दमदार कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव इसके ऊपर पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर वापस आपको एक बढ़िया प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से मदरसन सुमी में बाइंग की रेटिंग है, लेकिन SIP मोड में एक साथ नहीं खरीदारी की है तो बने रह सकते हो। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज अभी आप देखिए 32 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और तकरीबन 10 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड भी हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो जमुना ऑटो आप देख सकते हैं कि 48 रुपीज के आसपास के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, और कोविड में ऐसी हालत हो गई थी जमुना ऑटो की कि 22 रुपए तक भी शेयर चला गया था, लेकिन एक बढ़िया बाउंस बैक यहाँ पर जरूर इसने दिखाया है। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी न्यूट्रल है, PE 26.58 है, हालांकि थोड़ा हाई PE के ऊपर ट्रेड करें क्योंकि इंडस्ट्री PE 21.51 के आसपास है, बुक वैल्यू 13 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.43 है, EPS 1.20 है, डिलीवरी तकरीबन 40 के आसपास में देखने को मिल रही है। यहाँ पर हर कोई बिकवाली करने की बात कर रहा है, जमुना ऑटो में हर कोई कह रहा है कि भैया बेच के निकल जाओ तो ही आपके लिए बेहतर होगा, मतलब कि मुनाफा वसूली आप कर सकते हो। यहाँ पर हम अगर आप देखें तो जमुना ऑटो के जो नतीजे आए हैं मार्च क्वार्टर के वो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उतने बुरे भी नहीं है। 11 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है मार्च क्वार्टर में, इससे पहले 10 करोड़ का था, इससे पहले 6.5 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था, लेकिन जून 2019 का जो क्वार्टर था उसमें 20 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्च 2019 के क्वार्टर में 33 से 34 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसी कंपेयर में जरूर उतने अच्छे मुनाफे नहीं है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में देखेंगे तो प्रॉफिट धीरे धीरे से लेकिन इंक्रीज तो होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम अगर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और ये बहुत अच्छी बात है। जो पहले प्रमोटर के पास 47.88% की होल्डिंग थी, आज वो 48.91% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा गिरवी रखे हुए शेयर्स पहले 0.29% थे, आज 2.05% है, मतलब गिरवी रखे हुए शेयर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। FIs ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, 5.01% की होल्डिंग 7.64% देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को काफी हद तक कम किया है, कट डाउन किया है, 7.93% की होल्डिंग 4.92% है, मतलब म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है। इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी होल्डिंग बढ़ाई है, पहले उनके पास एक भी शेयर नहीं था, आज 0.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जमुना ऑटो और मदरसन सुमी का एक सेम ही है यहाँ पर, हालांकि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ है और जमुना ऑटो में भी थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, तो मुझे लगता है कि अभी भी शेयर 30 रुपए से नीचे जा सकता है, और अगर 30 रुपए से नीचे शेयर जाता है तो वहां पर आप बिल्कुल मदरसन सुमी की तरह ही SIP मोड में निवेश का प्लान बना सकते हो। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, SIP मोड में ही खरीदारी करना दोनों शेयर में, चाहे मदरसन सुमी हो या फिर चाहे जमुना ऑटो हो, दोनों ही कंपनी में आप SIP मोड में ही खरीदारी करिए। मतलब अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 25-25 की क्वांटिटी में ही शेयर खरीदे, एक साथ एक ही प्राइस पर शेयर खरीदने की यहाँ पर गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ा सा प्रेशर में जरूर रहने वाली है, आने वाले कुछ महीनों तक ये प्रेशर में रह सकती है और इसका असर कहीं ना कहीं इनके मुनाफे के ऊपर भी हमें पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही शेयर्स में मैं कहूंगा कि गिरावट संभव है और उस गिरावट में आप फायदा उठा सकते हैं अगर आप लंबी दूरी के प्लेयर हैं। लंबी दूरी से मेरा मतलब सीधा सीधा यहाँ पर 8 या 9 महीने तक का ही है, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 5 साल या 10 साल के होल्ड कर लो, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपको इसको कम से कम आप यहाँ पर प्लान लेके चले कि आपको 8 या 9 महीने तो आपको यहाँ पर निवेशित रहना ही है, और डेफिनेटली ये वो शेयर हो गए दोनों शेयर कि आपको कम से कम 30 से 35% का मिनिमम रिटर्न आपको कमा कर देंगे। शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी, लेकिन अगर गिरावट आती है तो छोटी छोटी क्वांटिटी आप उस गिरावट के वक्त में खरीदते रहिए, छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदें और अपना पोर्टफोलियो को बड़ा करते जाएंगे। तो मदरसन सुमी और जमुना ऑटो अगेन अपने सेक्टर की एक बड़ी और दिग्गज कंपनियां जरूर है, और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी काफी बड़े बड़े दिग्गज ऑटोमोबाइल प्लेयर हैं।
ओवरऑल खरीदारी की है और लंबी दूरी का नजरिया है तो बने रह सकते हो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना। छोटी छोटी क्वांटिटी आप खरीदते जाओगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज एंड मदरसन सोमी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।